और हमने उनसे जब पूछा तो पता किया कहीं दो घंटे कहीं तीन घंटे और बहुत ज्यादा मेहरबानी हो गई है तो कहीं चार घंटे बिजली मिलती है और वो भी जोरदार चुप्पी के साथ। और कहीं मुश्किल से अगर आपका ट्रांसफॉर्मर बिगड़ जाता है तो ट्रांसफॉर्मर वापिस 72 घंटे में नहीं आता, फिर वो आता है 2 महीने में, और उसमें जब तक आप 20,000-22,000 का रिश्वत नहीं दोगे तब तक वो आता ही नहीं है वापस। और रस्ते भर में मेरे को लोगों ने ये बताया कि मीटर कहीं 60%, कहीं 40% जले हुए पड़े हैं, उनका कोई बदला नहीं है, उनके ऊपर कोई किसी ने कार्रवाई नहीं की है और लोग कहते हैं हमें मुसीबत। अभी सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट से जब मैं निकल रही थी तो एक बेचारा गरीब किसान मेरे सामने आया, उसने कहा ये कंधे पर जो लटका है ना ये मीटर है और मेरे हाथ में जो है ना ये बिल है और मेरे घर के अंदर कनेक्शन नहीं है मैडम, हमारा कनेक्शन नहीं है, मीटर भी लगाया नहीं है, ये मेरे कंधे में है और ये 4,000 का बिल मेरे हाथ में है, बताओ मैं क्या करूं। ये कितने लोगों के साथ हो रहा है, मैं तो जानती हूँ कि जहां जहां गाँव में गई हूँ कई गांव के अंदर मेरे को लोगों ने हाथ ऊपर करके कहा कि साहब हमारा बचाओ, हमारी ये हालत। कई टीचर नहीं है, कई डॉक्टर नहीं है और महिला डॉक्टर तो ज्यादातर नहीं है, जहां जहां मैंने पूछा वो है ही नहीं। अब मैं पूछना चाहती हूँ कि जयपुर के अंदर मुझे बताया गया, अखबार के अंदर बहुत जोरदार तरीके से लिखा गया कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, इस सरकार ने हमारे इन जनता के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे जन कल्याणकारी वाली स्कीम निकाले हैं। सबसे पहले कि आपको गेहूँ 1 रुपए के अंदर मिलेगा, है कोई यहाँ जिसको 1 रुपए के हिसाब से किलो मिला है? इतना मैं 25 की तो मैं जानती हूँ, परंतु 1 रुपए किलो की कोई मिल रहा है? नहीं, 1 रुपए किलो का नहीं मिला। और जब डॉक्टर नहीं है आपके यहाँ तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि फिर किस तरीके से मुफ्त जांच हो रही है? हो रही है मुफ्त जांच? और आपको सस्ती दवाई किसी को मिल रही है? बार बार खरीदनी पड़ती है, कहाँ सस्ती हो जाएगी? 3 दफा वही गोली कर रही होगी तो कुछ नहीं पाएंगे, उतने ही पैसे लग जाएंगे। मैंने हर किस्म के तरीके से आप लोगों को ठगने की कोशिश की है। मैं गुलाबपुरा की बात करना चाहूंगी, पिछले 4 वर्षों में गुलाबपुरा रोडा की सड़क की मरम्मत नहीं हुई, किसी ने 1 पैसा नहीं लगाया है इस पे। ये जो अपने को देखने को मिल रहा है ये 4 साल का फल है और इसके साथ नागौर रोड को शाहपुरा से यहाँ तक आते हुए देखा हो तो घोड़ा के आते ही मानो सड़क खत्म हो गई। क्या ये सही है? पेयजल की आपूर्ति या कहते हैं कि 48 घंटे में सिर्फ आधे घंटे के लिए 1 बार मिलता है, क्या ये सही है? और ये गुलाबपुरा शहर में, तो मैं जाओ गांव के विचारों में बोलो ही मत। अभी शहर के अंदर अगर ये स्थिति है तो गांव के अंदर क्या स्थिति है? समझो ये गांव के अंदर उन लोगों को वहन करना पड़ रहा है। रेफरल अस्पताल के अंदर 12 पद हैं डॉक्टर के, लेकिन सिर्फ 5 डॉक्टर काम कर रहे हैं और महिला डॉक्टर तो माता ही नहीं आएंगे, वो तो होना ही नहीं है, अपने किस्मत में नहीं लिखा है। अभी तो अपने को बहुत दूर तक जाना है, ये मुसीबत है। एक्सरे मशीन है पर खराब है। गुलाबपुरा में 4 महीने पहले प्रशासन की लापरवाही से बहुत, मैंने आपने देखा होगा गड़बड़ सड़बड़ यहाँ हुआ। मुझे समझ में नहीं आता। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, बात सुन लो प्लीज, मैं देख रही हूँ जगह जगह पे मैंने देखा है कि कांग्रेस वालों ने एक तरीका अपनाया है चुनाव जीतने का और वो चुनाव के टाइम तक जब आते हैं तो उन लोगों ने एक काम कर लिया है कि जातियों को लड़ाओ, मजहब को लड़ाओ, उनके बीच में झगड़ा हो जाएगा तो किसी एक का वोट तो अपने को मिल ही जाएगा, ये तरीका उन्होंने अपनाया है और अभी भी इसी तरीके से वो आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि परिवार परिवार के अंदर झगड़ा करा के भाई भाई को भी अलग कर दो ताकि एक का वोट अपने को मिल जाए, ये परिस्थिति है। और मैं सब लोगों को आगाह कर रही हूँ कि चुनाव का समय आ रहा है, हमको बहुत कुछ देखना मिलेगा, परंतु इस चीज के ऊपर भी अपने को संभाल के रहना है। पहली दफा राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के टाइम में तो आता नहीं है, परंतु भारतीय जनता पार्टी के टाइम में ना आके अब कांग्रेस के टाइम में करीबन 80 बार तनाव होना, इसका क्या मतलब है? कई 22-23 बार झगड़ा हो जाना, इसका मतलब क्या है? चला के कर रहे हैं ताकि ये हो, दोनों के
बीच में समन्वय ना हो, जातियों के बीच में समन्वय ना हो और वोटों का फायदा कांग्रेस को मिल जाए। 55 साल से राज ऐसा ही किया है और करते रहेंगे जब तक हम इनको नहीं रोकेंगे। मैं आपको सबको बोलना चाहती हूँ कि ये आपने और हमने कोई सपना देखा है? आखिर हम लोग चाहते क्या है? हमें कोई इतना बड़ा सपना नहीं है। हम तो इतना चाहते हैं कि हमारी महिलाएं अपने चल सके, उनको उनकी इज्जत रहे, उनके ऊपर अत्याचार ना हो, हमारी घर की बरकत में कोई इधर उधर ना हो, हमारा स्वाभिमान और हमारी इज्जत बनी रहे। वो हमारी महिला है। आज हमारी महिला के साथ किस तरीके से खेल हो रहा है राजस्थान के अंदर आपने देखा है। चार दिन पहले के अखबार पढ़े आपने, जयपुर के अंदर वो मूक बधिरों के साथ क्या हुआ आप सबको मालूम है। 8 महीने से अत्याचार हो रहा था, कोई ने उनके बारे में कुछ नहीं बोला। आपकी बच्ची होती तो क्या होता? आपकी बेटी होती जो यहाँ बैठे हो आप लोग, आपकी बेटी होती तो आप क्या करते? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 30 अप्रैल को मालूम पड़ा, तब तो राहुल गांधी आ रहे थे और राहुल गांधी के सामने तो ऐसी बातें आ नहीं सकती हैं, तो उसके ऊपर तो आपने वैसे ही कपड़ा डाल दिया। ता ऐसा ना हो कि राहुल गांधी हमारी सियासत बिगाड़ दे। इसलिए इस चीज को जिसको उजागर होना चाहिए था, जिसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था, उसके ऊपर आज तक एक्शन नहीं लिया गया है। और फिर जिन बच्चियों के साथ अत्याचार हुआ उनको 3 लाख से आपने खरीदने की कोशिश कर ली। आपने ये सोच लिया कि किसी का ईमान और किसी की इज्जत बस 3 लाख की है? आप लोगों ने हमारी महिलाओं को सोच क्या कर रखा है? और मैं ये कहती हूँ कि जो अपनी महिला, जो अपनी बच्ची, जो अपनी बहन, जो अपनी बेटी की इज्जत को संभाले नहीं रख सकता, उसको चिड़ू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। उसको सोची कर बैठने का हक नहीं है। हमारे भाइयों की, हमारे बच्चों की क्या हालत हो रही है? ये माताएं बहने, आप लोग अपना जेवर गिरवी रख देते हो उनको पढ़ाने के लिए। आपको लगता है कि हमारे बच्चे होनहार हो जाए तो आगे चल के उनको अच्छी नौकरी मिलेगी, रोजगार अच्छा मिलेगा, तो हमारे पूरा जीवन का, बुढ़ापे के जीवन का ये आधार बनेगा। परंतु आज क्या स्थिति बन रही है? बच्चों को कहीं रोजगार नहीं है, पढ़ लिख के हाथ पे हाथ रख के ऐसे ही घूम रहे हैं, सड़क के ऊपर घूम रहे हैं, कोई नौकरी नहीं है। और मैं पूछना चाहती हूँ कि जब हमारे समय के अंदर हम लोगों ने 10 लाख नौकरियां सबको दी, सरकारी और गैर सरकारी, तो क्यों नहीं ये सरकार इन लोगों को नौकरी देने का काम कर सकती थी? 1.5 लाख टीचर के पोस्ट खाली पड़े हैं, कर्मचारियों के पोस्ट खाली पड़े हैं, डॉक्टर के पोस्ट खाली पड़े हैं। हमारे सब परिवारों को दुख है, गांव के अंदर पोस्ट खाली पड़ने की वजह से हमको मुसीबत है। अगर ये पोस्ट भरे जाते तो बच्चों को भी कुछ करने को हो जाता और हमको भी वहाँ गाँव के अंदर दुख नहीं होता। परंतु आज उन्हें चला के नहीं किया है। और मैं पूछना चाहती हूँ हमारे बच्चों को, सबको, कि आगे आके हमारी सरकार जब आएगी तो हम लोग मिलके सब पहले तो बिजली और पानी की लड़ाई लड़ेंगे और लाएंगे उस बिजली और पानी को गांव के अंदर, जिस तरीके से लाने का इंतजाम हमने 2008 के अंदर आपके लिए करके रखा था। और साथ साथ मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि नौकरी का इंतजाम हमारे बच्चों के लिए होगा तो तभी हमारा संस्थान राजस्थान आगे बढ़ सकेगा। आपको याद होगा कि जब सरकार हमको मिली तो माता बहने हमको बीमार सरकार मिली, जिसको कहते हैं बीमारू। वो बीमारू सरकार को लेके हमने फिर से अपने पैर पे खड़ा करके बड़ी मेहनत के साथ राजस्थान को विकास के पक्ष ऊपर लगाया। आप लोग सब जानते हो हमने कितनी मेहनत की थी, कितनी मेहनत की थी। और आपको मैं आज ये कहना चाहती हूँ कि मैं फिर भी मेहनत करने को तैयार है। परंतु उस बीमारू प्रदेश को लिए आपने 5 साल दिए, 5 साल में हमने बदलाव ला के आपको दिखाया। वहां मध्य प्रदेश के अंदर 10 साल मिले और उन्होंने मध्य प्रदेश को देश के नक्शे पे ला के रख दिया। उधर आपने गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री को देखा, 15 साल के अंदर उसने गुजरात को ऐसा बना के छोड़ दिया कि दुनिया के लोग दौड़ दौड़ के गुजरात आना चाहते। माता बहने आप मुझे ये बताइए कि आपको गुजरात जैसी स्थिति चाहिए, ये जो स्थिति राजस्थान के अंदर है वैसी स्थिति बताओ? गुजरात जैसी स्थिति चाहिए ना, तो गुजरात जैसी स्थिति के लिए काम करने की जरूरत होती है। और अगर उसको काम करने की जरूरत है तो उसमें कोई एक आदमी के हाथ में जादू नहीं है, पर एक आदमी के साथ अगर पूरी सेना लग जाती है, पूरा परिवार लग जाता है, 36 के 36 गांव और सब मजहब प्यार के साथ अगर जुड़ जाते हैं तो बदलाव आ सकता है और वो सपनों का राजस्थान अपना बन सकता है। अपन ने राजस्थान में एक ही परिवार को और एक ही सरकार को 55 साल दिए। ए भाई ये बताओ, 7 साल बैरोजी जी को, 5 साल मुझको, टोटल 65 साल में से आपने 12 साल निकाल दिए। 53 साल एक कांग्रेस की सरकार
सरकार और एक परिवार उस गांधी परिवार को हमने देके रखा है। अगर गुजरात के अंदर वो बदल सकते हैं 15 साल में, अगर बदल सकते हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अंदर 10 साल में, तो 55 साल क्या कर रहे थे ये? और हमको ऐसे गड्ढे में डाल के रखने का मतलब क्या है? और क्या ये सोचते हैं कि इस तरीके से हम लोगों को डालने के बाद हम फिर से उनको उस कुर्सी पे बिठा के कहेंगे कि मारो हमारे बेटियों पर? फिर करेंगे? हम लोगों को ये सोचने की जरूरत है माता बहने। आज जो स्थिति हमारी हो रही है, हम जानते हैं कि राजस्थान के अंदर कोई भी निवेश करना नहीं चाहता, कोई फैक्ट्री लगाना नहीं चाहता। अरे भीलवाड़ा चले जाओ, देख लो, सब लोग गुजरात जा रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद कर करके जा रहे हैं। फैक्ट्रियां बंद करके जाएंगे तो हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगी। हम चाहते हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर अच्छी बिजली, अच्छा पानी, अच्छे रोड हो, तो लोग आए यहाँ और कहें कि अपन राजस्थान के अंदर अपनी फैक्ट्री लगाए, फैक्ट्री लगाएंगे तो बच्चों को नौकरी मिलेगी। ये परिस्थिति हो रही है उसका उल्टा, कि सब लोग छोड़ छोड़ के राजस्थान को छोड़ छोड़ के अपनी फैक्ट्री को बंद कर करके और बाहर राजस्थान को छोड़ के जा रहे हैं। ये स्थिति कब तक बर्दाश्त होगी? राजस्थान की जनता अब ये कह रही है अब बस। हम लोगों को मिलकर ये तय करना है कि हमारे बच्चे, हमारी माताएं बहने और हमारे किसान मजबूत बनने का काम करें। अरे किसान भाई, मैं आप लोगों से पता करना चाहती हूँ कि आप में कोई है ऐसा जिसको 1,50,000 रुपए का कर्ज माने ऋण बिना ब्याज के मिला है? कोई ये बताओ, पाला पड़ा था, ओले पड़े थे, नुकसान हुआ था खेत में, हुआ था, उसका मुआवजा मिला? हमें तो दिल्ली जयपुर में बताया जाता है कि आपको तो बिजली के दाम कम कर दिए गए, आप लोगों को पैसा दे दिया गया, एक बहुत अच्छा पैकेज आपको मिला। मिला? किसी को नहीं मिला। और मैं ये बताना चाहती हूँ आप लोगों को, किसान की हालत कमजोर, महिला की हालत कमजोर, व्यापारियों के ऊपर शुद्ध का युद्ध चल रहा है। क्या युद्ध अभी भी चल रहा है? शुद्ध का युद्ध आपने शुद्धि कर ली होगी? मैं ये पूछना चाहती हूँ, व्यापारी दुखी, किसान दुखी, तो कौन खुश है यहाँ? कोई खुश नहीं। कांग्रेस पार्टी, क्योंकि उनको लगता है कि चलो आ जाओ, 4.5 साल अपने को कोई कुछ काम करने की जरूरत नहीं पड़ी, आप 6 महीने के अंदर अपन माटो रेवड़ी और सब लोग हमारी गोद में आके फिर से गिर जाएंगे, क्योंकि राजस्थान की जनता ही कुछ समझती नहीं भाई, इनको सब समझती है। और इनको बोलने की जरूरत है कि अगर आपने सोचा है कि आपके जेब के वोट है, कोई मुसलमान आपका जेब का वोट है या एससी या एसटी जेब का वोट है, तो ये मान के चलो ये स्वाभिमान का वोट है, ये इज्जत का वोट है, ये किसी के जेब का वोट नहीं है। और वो वोट वही जाएगा जहाँ उनको लगता है कि विकास होगा, किसी का नहीं है। और मैं आज आप लोगों को सबको कहना चाहती हूँ कि भूखे रह जाएंगे परंतु अपने स्वाभिमान के साथ खेल नहीं होने देंगे। पर आज मैं आप लोगों को ये कहने आई हूँ कि IAS और RAS की चुनाव हो रहे कि नहीं हो रहे। मैं कल से ही बोल रही थी, आज अखबारों में भी देखा मैंने, IAS के RAS की चुनाव के परीक्षाएं हो रही हैं, उनके बीच में समय नहीं देना। जो IAS का आदमी है, हो सकता है कि वो RAS का बैठना चाहे, या जो RAS का है वो IAS का बैठना चाहे, उनके बीच में समय पर्याप्त नहीं छोड़ोगे तो दोनों की परीक्षा में बैठ नहीं सकता है। आज 4 दिन ही दे रहे हो, 4 दिन का मतलब क्या है? कैसी संवेदनशील सरकार है कि वो इतना भी नहीं सोचती कि हमारे टीचर जो है उनको बच्चों की परीक्षा लेनी है, फिर IAS की परीक्षा लेनी है, फिर RAS की परीक्षा लेनी है, और हो सकता है कि इन दोनों परीक्षाओं में वो भी बैठना चाह रहा हो, परंतु उनको मौका नहीं है। मैंने कोई तो सोचने वाला हो, हम तो सिर्फ अपना ही सोच रहे हैं कि क्या होगा हमारा 4.5 साल मौज करते। आपको याद होगा कि 2007-2008 में भामाशाह योजना मैंने चालू की थी माता बहने आपके लिए, उसमें 50 लाख परिवारों को उनकी महिला द्वारा 1500 रुपए प्रोत्साहन राशि के द्वारा बैंक अकाउंट खोलने का काम हमने चालू किया था। उसमें SC ST लघु सीमांत कृषक, हमारे BPL के परिवार, उन लोगों को आपके पेंशन है, कई चीजें हैं जिनको उसमें डालने का काम हमने किया। और साथ में कार्ड के ऊपर 30,000 रुपए आपको स्वास्थ्य बीमा ये भी मिलने वाला था। अब मैं पूछना चाहती हूँ कि 870 करोड़ रुपए जो मैंने अलग से इसके लिए रखे थे वो गए कहाँ? 200 करोड़ रुपए अभी भी बैंक में है, अभी भी बैंक में पड़े हुए हैं। और ये जो रेवड़ी अभी बांट रहे हैं, अगर तब से उनने शुरू कर दिया होता और व्यवस्थित ढंग से किया होता तो आज 4.5 साल से सही तरीके से पेंशन, सही तरीके से पैसा, वो जो आज आप रेवड़ी के रूप में बांट रहे हो, आराम से 4.5 साल
आप लोगों को मिलता, ये क्यों नहीं किया? ये इसलिए नहीं किया कि हमारा मन ही नहीं था, हमको कभी करने की जरूरत ही नहीं थी। बस अब 4 महीने बाकी है, तो इन 4 महीने के अंदर सब कुछ कर लो। लोगों जो नहीं मानते हैं उनके खिलाफ केस कर दो। बेचारे गांव वाले अगर जाते हैं एसडीएम और कलेक्टर को कहते हैं कि हमें पानी का इंतजाम करो, तो केस डाल दो, बंद कर दो, ये सब अत्याचार उनके साथ कर दो। पहले तो अत्याचार करो कि उनको पानी नहीं पीने दो, उनको बिजली नहीं दो, और जब वो सड़क पे आके कहता है कि ये मेरा राइट है, मेरे को मेरे पानी पिला दो, तो उस समय उसके ऊपर केस डाल के आप उसको बंद कर दोगे जेल के अंदर। ये है स्थिति आज, इतने सालों बाद, 55 साल के राज के बाद अगर ऐसी स्थिति है तो उसको कुर्सी पे बैठने का कांग्रेस को कोई हक नहीं है। नहीं। और आज मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि आप अपनों को समझने की कोशिश है। ये आ रहे हमारे बीच में डराएंगे धमकाएंगे, अरे रोज हमारे बारे में तो मैं 5 साल से सुनते आ रही हूँ। आयोग भी बिठा दिया, पूरी फाइलें कंगाल ली, सब पूरी कोशिश कर ली, पहले हमें बदनाम करने की कोशिश कर दी, पूरी कर लो और देखते हैं इनका क्या होता है। कुछ नहीं हुआ, भगवान की दया से आप लोगों को तब वादा किया था जब पहली चुनरी पहनी थी, और मैंने कहा था कि मैं कभी आपको नीचे देखने नहीं दूंगी, ये आपके विश्वास और इज्जत की चुनरी है, इस चुनरी की इज्जत में बना के रखूंगी, और मैंने बना के रखी, आज दिन तक बना के रखी है। तो ठीक है, मेरे हाथ में नहीं आया तो चलो आज गुलाब जी को पकड़ लिया, चलो उनके पीछे कर दो। आप लोग सब जानते हो, क्योंकि उन गुलाब जी को सालों 30 साल से तो आप लोग सबने देखा है। अब बताओ मुझे, ऐसा व्यक्ति, ऐसा कोई आदमी है जिसको पकड़ के बंद कर सकोगे आज? डराने की बात है, चलो होम मिनिस्टर था तो होम मिनिस्टर को अगर हमने धमका दिया, डरा दिया और बंद करने की बात कर दी, तो डर के मालूम नहीं कुछ और बात आ जाए। मैं सबको कहना चाहती हूँ कि पार्टी पूरी तरह से आगा है, समझ रही है, और पूरी पार्टी ने तय कर लिया है कि हम अपने एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे, गुलाब जी के साथ खड़े रहेंगे, और किसी और के साथ कैसा होता है उसके साथ खड़े रहेंगे। और हमें डर नहीं है जी, भगवान के सामने अगर हमने सही मांग की और आपकी सेवा का बीड़ा उठा के आप लोगों के बीच में कदम रखा है, तो मैं समझती हूँ कि हम लोगों ने उसको ईश्वर को अपना मान के किया है, तो मुझे डर नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं गलत काम करने वाली नहीं हूँ। अरे एमएलए साहब कह रहे मैं भी क्यों, मेरा नाम भी क्यों छोड़ रहे हो, मैं अभी मेरे को भी केस कर रहे हैं, मेरे खिलाफ भी केस, उनके खिलाफ भी केस, कौन नहीं, सब कोशिश कर ली। आप लोगों के भी आएंगे, कोई गाँव में आप लोग हो ना, थोड़ा ज्यादा वो रखते हो तो आपको भी दबाने की कोशिश करेंगे, परंतु हम लोगों को इन बातों में नहीं आना है, ये हमारी आपकी लड़ाई है, और इस लड़ाई के अंदर हम लोगों को सबको तय कर लेना है कि हम लोग जनता के लिए खड़े हैं, और जनता की लड़ाई हम लोग सब लड़ेंगे। और माता बहने मैं आपसे ये कहने आई हूँ कि जहाँ टीचर नहीं, जहाँ डॉक्टर नहीं, जहाँ पानी नहीं, जहाँ बिजली नहीं, जहाँ सड़क नहीं, जहाँ कुछ नहीं, अब बहुत दिन नहीं रहेंगे हम लोगों को। अगर आगे बढ़ना है तो अगुवाई अब इस बार आप सबको करनी पड़ेगी, और इसीलिए मैं आप लोग सबको कह रही हूँ कि ध्यान रख के हमारे बच्चियों के, हमारे बच्चों का आप लोग घृणा भय के आगे आने की बात करें, और हम लोग राजस्थान के अंदर एक नए राजस्थान का सपना लेके चले, एक नए राजस्थान जिसके अंदर हम लोग सब खड़ा होके जो हमने सोचा है उसको जमीन पे लाने की कोशिश करें। ये आप लोग सबको मैं कहने आई हूँ, और मैं विश्वास करती हूँ कि आपका प्रेम बना रहेगा, मैं विश्वास करती हूँ कि आपका साथ बना रहेगा। लड़ने के लिए तो हम आगे है ही, परंतु साथ आपका होगा तो मैं जानती हूँ कि यह लड़ाई पूरी तरह से सार्थक रहेगी। और मेरा, अगर आप लोग समझते हो कि ये काम करना है अपने को और किसी को डर नहीं है और सब तैयार है, तो अपना हाथ ऊपर करके बता दो। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, एक राजस्थान के लिए नारा, जय जय राजस्थान।